और निजी बस और जीप में भिड़ंत हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, अन्य 8 लोग घायल बताए गए हैं। घायलों में 4 बच्चे भी शामिल हो, सभी लोग पाली सुमेरपुर के बताए गए। दरअसल जो हादसा हुआ उसमें 3 लोगों की पहले मौत हुई, लेकिन अब यह मौतों का आंकड़ा बढ़कर 5 पहुंच गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद डरावनी है और दिल में डर पैदा कर देगा। निजी बस और जीप में टक्कर हुई और जीप के जरा देखिए परखच्चे उड़ गए। आप इस तस्वीर को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह दुर्घटना कितनी भयावह रही होगी। तेज रफ्तार और तेज रफ्तार के बीच आमने सामने की भिड़ंत है। निजी बस और जीप के अंदर यह आमने सामने की भिड़ंत हुई, इसमें 5 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत, तस्वीर देख पा रहे हैं, आमने सामने की भिड़ंत हुई है और अफसोस ये कि जिनका इलाज चल रहा था उनमें से भी 2 की मौत हो गई। देखिए, बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि ये जो पूरा जो घटनाक्रम है मेहंदीपुर बालाजी के समीप की बात है। जिस तरह से जो चालक जो है, इस टेरेक्स का जो चालक है उससे हमारी बात हुई है, तो जो टेरेक्स के चालक का जहां तक जो कहना है, वो जो पहले जो आगे चल रहा जो ट्रक है उसके अचानक ब्रेक लेने के बाद में इसने जब गाड़ी कंट्रोल किया है तो पास जो हाईवे के सर्विस लेन पर जो निजी बस कोच जो है उससे ये गाड़ी टकराई है। क्योंकि बहुत जबरदस्त स्पीड में संभव से गाड़ियां थी, तो इसमें 5 लोगों की कुल मौत हुई है, जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं, और जो 2 लोगों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है, बाकी 3 लोग जो हैं वो दौसा जिला अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ जो है सिकराय अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो कहा जा सकता है ये जबरदस्त हादसा है। इसमें जो ये सभी जो लोग हैं सुमेरपुर पाली जिले की जो सुमेरपुर तहसील है वहां के लोग हैं, और ये सोरोजी से इनके परिवार में किसी परिजन की डेथ होने के बाद में ये अस्थि विसर्जन के बाद लौट रहे थे, तो ये अल सुबह बालाजी के पास हादसा हुआ है। लक्ष्मीकांत, क्या दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया? ठीक है, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ कि जो ट्रक है वो भी फरार हो गया है, और जो निजी कोच है वो हादसे के बाद में मौके से फरार हो गई। पुलिस उसकी सीसीटीवी फुटेज से पहचान करने की कोशिश कर रही है कि जो गाड़ी है वो कौन सी गाड़ी थी, क्योंकि हादसे के तुरंत बाद में जो बस चालक है वो मौके से फरार हो गया। तो लक्ष्मीकांत, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन 13 लोगों के घायल होने की जानकारी, 3 लोगों की पहले मौत की जानकारी, अभी आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है, क्या ये सभी इस जीप के अंदर सवार थे? जी, 5 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। दो जो लोग हैं उनकी स्पॉट पर मौत हो गई थी, एक मौत जो हुई है महिला है, उसको दौसा अस्पताल रेफर किया गया था, दौसा जिला अस्पताल में रेफर के दौरान मौत हुई है, और 2 जो महिला है उनकी सिकराय अस्पताल में मौत हुई है। यानी कुल मिलाकर के 5 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। लक्ष्मीकांत, सवाल मेरा ये था, दरअसल शायद आप सुन नहीं पाए कि 5 लोगों की मौत हुई, 8 लोग घायल हुए हैं, कुल मिलाकर संख्या होती है 13। क्या ये 13 के 13 लोग इस जीप के अंदर सवार थे? बिल्कुल, ये टेरेक्स वाहन था, जीप से बड़ा होता है टेरेक्स वाहन, और उसकी जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसमें लगभग 13 से 14 लोग बैठे हुए थे। ड्राइवर जो है वो इंजर्ड है, ड्राइवर से हमारी बात हुई है, ड्राइवर जिस तरह से हादसा बता रहा है, प्राइमरी फेसी जो है वो ट्रक के सामने अचानक कोई गाय के आने से ट्रक ने ब्रेक लिया है, उसके बाद में ये गाड़ी नियंत्रित नहीं कर पाया है, और जो निजी कोच जो साइड लाइन पर खड़ी हुई थी उससे जाकर के ये डायरेक्ट जो है वो टकराई है। लक्ष्मीकांत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तस्वीर देखिए, यकीनन लापरवाही सामने आई है। कमाल की बात ये है, इंसानियत किस तरीके से खत्म हो जाती है। घायलों को छोड़कर ट्रक चालक फरार हो गया, और शायद ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि 5 जाने यहां पर गई। तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि स्पीड कितनी ज्यादा रही होगी, और टक्कर के बाद 5 लोगों की जान चली गई है, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।